एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी लगातार समर्थन जुटा रही है। इसी बीच द्रौपदी मुर्मू ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से समर्थन की अपील की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी से समर्थन देने की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें समर्थन देने पर कुछ नहीं कहा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी बात की। उन्होंने तमाम बड़े दलों से समर्थन मांगा है। सभी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट के मुताबिक नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम नेताओं को फोन किया गया था। दरअसल विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। 27 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू से कहा कि पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। अगर सियासी समीकरण की बात करें तो ममता बनर्जी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में कई नेताओं के साथ बैठक की थी। उनकी कोशिश विपक्ष के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाना था। अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करें तो 18 जुलाई को मतदान होगा। यदि द्रौपदी मुर्मू को जीत मिलती है तो वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।